ये सवाल हर एस्पिरेंट का है, सर हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 13 आउट ऑफ 13 स्कोर कैसे करें, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी माय प्लान, क्योंकि ये सब्जेक्ट को स्टार्ट किधर से करें, खत्म किधर को करें बिल्कुल समझ नहीं आता। इतना लेंथी सब्जेक्ट है, इतना वेग और वास्ट सब्जेक्ट है, पता ही नहीं चल रहा है खत्म कैसे करूंगा, क्योंकि अब कुछ महीने रह गए हैं, उसके बाद गेट 2022 एग्जाम आने वाला है। तो इस वीडियो में सारी बातें मैं बताऊंगा। आप देख सकते हो इतना बड़ा फ्लो चार्ट मैं लेकर आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो। सारी बातों को आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सर पहले तो 15 मार्क्स का हुआ करता था। बिल्कुल सही, 2021 से पहले 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, बट 2021 से और उसके बाद अब वेटेज थोड़ा सा कम किया गया है 13 मार्क्स, और यहां पर एक और क्वेश्चन टाइप को ऐड किया गया है एमएसक्यू। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, 2021 में एक भी सवाल एमएसक्यू का आया ही नहीं फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आ नहीं सकता। फ्यूचर में आ सकता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको स्कोर कर पाओगे, वैसे उधर तुक्के मार सकते हो बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट सिलेबस के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जो कंप्यूटर साइंस के हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लास कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्लास कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड के क्लास कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। पहले ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि अगर आप 1990s का सिलेबस देखो तो उसके अंदर न्यूमेरिकल मेथड के सवाल थे फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, बट अभी सिलेबस अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस देखते हो, देयर इज नो न्यूमेरिकल मेथड, तो अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले हुआ करता था तो शायद आपने बुक उठा ली, उसमें देखा होगा अरे टेलीकॉम का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल मेथड, तो शायद मुझे पढ़ना चाहिए। नो नीड, रीसेंट सिलेबस पहले चेक करो और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है बुक्स के बारे में। अब समय बहुत कम है, समय ज्यादा होता तो मैं आपको कहता यार स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करो। अब अगर समय कम है तो प्लीज स्टैंडर्ड बुक को अवॉइड करना जितना हो सके, बट फोकस कीजिएगा पीवाईक्यू बुक्स पर या नोट्स या कोचिंग मटेरियल। कोचिंग मटेरियल अक्सर ऑनलाइन मिल जाती है या ग्रुप्स में आप पूछ सकते हो, या आपका दोस्त कहीं कोचिंग कर रहा है, पीडीएफ वर्जन होगा, ऑफलाइन नोट्स होंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन। उसमें मदद क्या होगी, कम टाइम में आपको बहुत बातें पता चलेगी, क्योंकि अगर आप गेट एग्जाम लिखने जा रहे हो तो कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, कोई आपसे लेंथी सवाल नहीं पूछने वाला, सभी आपसे कंसेप्चुअल बातें पूछेंगे। जैसे 2021 में दिखाई दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, ऐसे कंसेप्चुअल बात पूछी गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, कंसेप्चुअल बात पूछी गई। और फिर कभी कैलकुलेशन की बातें पूछी जाती है, जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन था, जैसे लिमिट्स का सवाल हो गया, जैसे इंटीग्रेशन का सवाल हो गया जिसमें कैलकुलेशन पूछा जा रहा था। तो इसके लिए अगर आपके पास नोट्स होंगे तो सारे केसेस, सारे फॉर्मूला, सारी प्रॉपर्टी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। सो मेक श्योर यू फोकस मोर ऑन नोट्स एंड मोर यू सॉल्व दी पीवाईक्यूज टू गेट दी कंप्लीट आइडिया के सवाल पूछे कैसे जाते हैं। बीटेक के सवाल अलग होते हैं, गेट के सवाल अलग होते हैं, यू विल गेट दी कंप्लीट आइडिया। ठीक है, तो ये था सेकंड के बुक्स के, इसमें आपको इन दोनों पर फोकस करना है। ये तभी फोकस कीजिएगा जब आपका कोई कंसेप्ट बहुत ही वीक है, समझ ही नहीं आ रहा है सर की पढ़ाई कैसे करें, तब आप इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब जो थर्ड है वो है वेटेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं एनालिसिस के साथ बता रहा हूं, दैट यू हैव टू फर्स्ट कवर ऑल दिस थ्री फोर सब्जेक्ट्स, लीनियर अलजीब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको पहले खत्म करना है। उसके बाद आप फोकस कीजिएगा वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड एंड ट्रांसफॉर्म थ्योरी, बट मेक श्योर इनको सबसे पहले खत्म करते हो, इसके बाद ही इस पर स्विच करना है। एंड कैलकुलस इज द हार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप कैलकुलस नहीं पढ़ोगे इसका मतलब न्यूमेरिकल मेथड समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म थ्योरी समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ समझ नहीं आएगा। सो मेक श्योर आप कैलकुलस को सबसे पहले खत्म करते हो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देख सकते हो फाइव स्टार टॉपिक्स, जैसे मैं फटाफट से बता देता हूं। फाइव स्टार टॉपिक्स लिमिट्स, कैलकुलस की बात की जाए लिमिट्स, मीन वैल्यू थ्योरम, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा की बात की जाए तो आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, प्रोबेबिलिटी की बात की जाए इन एवरी ईयर इन एवरी ब्रांच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक सवाल हमेशा आया, तो वो तो करके ही जाना है, वो नहीं करोगे तो ये आपका लॉस हो। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप बात करो यहां पर वेक्टर कैलकुलस से तो वेक्टर इंटीग्रेशन एंड वेक्टर डेरिवेटिव, जैसे कर्ल, ग्रेडियंट, डायवर्जेंस, इनमें से सवाल आते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से अगेन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से मेजॉरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं इन दी रिसेंट टाइम्स।
और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है एनालिटिक फंक्शन सीआर इक्वेशन इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल मेथड एंड ट्रांसफॉर्म थ्योरी। न्यूमेरिकल मेथड का एक स्टैंडर्ड वर्जन है जैसे न्यूटन रैमसन मेथड, सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजॉइड रूल, ये तीन से तो सवाल आते ही आते हैं ओके। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म थ्योरी पर मेजॉरिटी फोकस लैपलेस ट्रांसफॉर्म पर किया गया है, थोड़ा सा कम फोकस फूरियर सीरीज पर है, तो इसका आप ख्याल रखना। तो ये थे 5-स्टार टॉपिक्स। नेक्स्ट है वीडियोस, तो बहुत सारे यूट्यूब पर फ्री वीडियोस है, क्रैश कोर्सेस या कोचिंग के पेड मटेरियल्स हो गए, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हो श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर और अपने हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा आता है तो वेरी गुड, कैलकुलस के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए तो आपको वहां पर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कॉम्बो प्लान चाहिए तो वहां से भी आप कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस पर सारी चीजें मिल जाती है, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, यू गेट एवरीथिंग ओके। और नेक्स्ट है ट्रिक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे कहते हैं सर सवाल बनाते समय बहुत टाइम लग रहा है, क्या करें, बहुत टाइम लग रहा है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पढ़ लो। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स तभी आता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जब आपको सारे केसेस और प्रॉपर्टीज पता है, तब आप ट्रिक्स लगा सकते हो ठीक है। और लास्ट है वर्चुअल कैलकुलेटर, ये बड़ा खतरनाक मामला है, ये एक्सपीरियंस वाले बच्चे ही बता सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कितने स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सवाल बना पा रहे थे बट कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम लग रहा था, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर का कंसेप्ट किया नहीं है, उस पर प्रैक्टिस की नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा समय लग रहा था टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ओके। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सिलेबस पहले चेकआउट करें, फिर मटेरियल्स, फिर वेटेज वाइज इनको पहले खत्म करें, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप जाए उनको तो करके ही जाना है विदाउट 5-स्टार टॉपिक्स, जैसे वीडियो को कहा था कि नोट्स बनाते हुए चलना, या फिर उधर से वीडियो वापस देखना कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए थे 5-स्टार टॉपिक्स ठीक है, और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ओके। इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करना। अगर आप डेली 1 घंटा भी पढ़ाई करते हो आज से फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यू वुड बी एबल टू कवर दी कंप्लीट सब्जेक्ट एंड यू वुड बी एबल टू स्कोर दी फुल मार्क्स। 13 out of 13 लाना कठिन मामला नहीं है, 10 तो लेकर आ ही सकते हो, बाकी का 3 मार्क्स जो है वो टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगा, वो प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा, वो PYQs आपको हेल्प करेगा टू गेट दी कंप्लीट आइडिया ठीक है। सो 10 मार्क्स तो आपको आएंगे ही आएंगे विदाउट एनी डाउट, बट बाकी के 3 मार्क आपके ऊपर है, आपकी एफर्ट्स के ऊपर है ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।